कल मैंने 1857 के विद्रोह के अलावा धार्मिक स्वरूप वाले विद्रोहों पर बात की थी, जिसमें से मैंने 4 या 5 विद्रोहों की चर्चा की थी। वो सभी अलग अलग संप्रदायों में घटित हुए थे और उनके नेता कोई धार्मिक व्यक्ति थे, कोई धर्म गुरु थे। आज हम जनजातीय विद्रोहों पर बातचीत करेंगे। अंग्रेजों के आने के बाद विभिन्न जंगली और वनीय क्षेत्रों में जो जनजातियां रहती थी यानी आदिवासी, वो क्यों अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर गए, कारणों पर चर्चा करेंगे और गतिविधियों पर, जो परीक्षा के दृष्टि से सामान्य अध्ययन के लिहाज से पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे, वही मैं यहाँ पे उद्धृत करूंगा और उतना ही जितना सामान्य अध्ययन के लिए जरूरी है। कुछ विद्रोह खासा महत्वपूर्ण होते हैं, वहां से सवाल ज्यादा आ जाते हैं। कुछ विद्रोह में केवल नेता और जगह पूछा जाता है, वर्ष भी नहीं पूछा जाता है। क्यों नहीं पूछा जाता है, थोड़ी देर में मैं जिक्र करूंगा। तो आइए जनजाति विद्रोह पढ़ते हैं। जनजातियों आदिवासी कौन होता है, जो समाज की मुख्य धारा से अलग जंगली क्षेत्रों में रहता है उसे हम आदिवासी कहते हैं। आदिवासियों के लिए जनजातीय शब्द का प्रयोग सबसे पहले ठक्कर बापा ने किया था। इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, ठक्कर बापा को इन्होंने ही सबसे पहले जनजातीय शब्द का प्रयोग किया था। जनजाति या आदिवासी लोग कैसे रहते हैं, उनके अपने सामाजिक नियम कानून होते हैं, बहुत कठोर नियम कानून होते हैं अपने। उनमें सामूहिकता होती है, व्यक्तिवादी भावना का विकास नहीं होता, कोई भी काम वो मिलजुल कर कहते हैं। व्यक्तिगत संपत्ति उनके पास बहुत ज्यादा नहीं होती है, उनके पास जो भी संपत्ति होती है ज्यादातर सामूहिक होती है। जैसे अगर वो खेती भी करेंगे तो सामूहिक रूप से करते हैं। किसी की आज हम गांव में जाते हैं तो गांव में हम देखते हैं सबके अपने अपने खेत हैं, लेकिन जनजाति और आदिवासी लोगों के अपने अपने अलग अलग खेत नहीं होते हैं, है ना। एक निश्चित भू क्षेत्र मिलकर चुनते हैं, वहां पर कुछ दिनों तक टिक के खेती करते हैं साथ में मिलजुल कर। बाद में जब उसकी उर्वरता यानी उपजाऊपन खत्म हो जाता है तो वे दूसरी जगह जंगल साफ करते हैं यानी जंगलों की कटाई करते हैं, फिर से खेती नई भूमि पर प्रारंभ कर देते हैं। इस तरह से जगह बदल बदल कर जो खेती करते हैं उसे हम ज्यादातर झूम के नाम से जानते हैं, झूम कृषि। लेकिन भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इस खेती की पद्धति को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में बेवार डहियार बोलते हैं, बेवार डहिया। पश्चिमी घाट यानी केरला में कुमारी के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में भी इनका कुछ नाम है। भारतीय भूगोल जब मैं पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने झूम खेती के अलग अलग कौन से नाम है ये बताया था, ठीक है। खासकर आदिवासी उसमें जनजाति वाला जो चैप्टर था उसमें मैंने मेंशन किया था। तो फिलहाल मेरा मकसद ये है कि जनजातियों में व्यक्तिवादी भावना नहीं थी, व्यक्तिगत संपत्ति भी नहीं होती है, सामूहिक रूप से काम करते हैं मिलजुल कर। उनके अपने सामाजिक नियम कानून होते हैं, आपस में प्रेम होता है, भाईचारा होता है जनजातियों में। अगर आदिवासी किसी एक आदिवासी को आप मिलकर मारेंगे या उस पर हमला करेंगे तो सारे आदिवासी एक हो जाएंगे, जबकि शहरों में क्या होता है 10 लोग किसी भी एक व्यक्ति को सुबह से शाम तक मारे कोई पूछने नहीं आएगा जल्दी। बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ, आदिवासियों में ऐसा नहीं होता है। एक का दर्द, एक का सुख दुख सबके लिए होता है उसमें, है ना। आपस में बहुत प्यार होता है उनके में। तो उनकी जंगलों पर निर्भरता होती है, जंगल को अपने स्वार्थ के लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं। जंगल उनके लिए आवास होता है, उनके लिए घर द्वार की तरह होता है। जंगल को अपना देवता मानते हैं, जंगल का सम्मान करते हैं। उनके द्वारा कटाई भी की जाती है तो एक तरह से पारिस्थितिकी तंत्र के अंग की तरह वहां पे होते हैं। वो अगर जंगल की कटाई भी कर रहे हैं तो इस सीमा तक करते हैं कि उनका अपना आवास न नष्ट हो जाए, यानी वो जंगल के साथ समायोजन बनाना जानते हैं, है ना। तो जंगलों पर उनकी बहुत ज्यादा निर्भरता होती है, जंगल से उनको आवास प्राप्त होता है, फल फूल प्राप्त होता है, चूल्हा जलाने के लिए सूखी लकड़ियां प्राप्त होती हैं, बहुत कुछ उन्हें जंगल से प्राप्त होता है। और उनके अपने नियम कानून झूम विधि से खेती करते हैं, है ना। तो जब अंग्रेज जब भारत में आए, अब आप समझ गए कि उनका आर्थिक सामाजिक ताना बाना कैसा होता है आदिवासियों का। जब अंग्रेज जब भारत में आए तो प्लासी के बाद बंगाल पर सत्ता हासिल हुई। बंगाल के बाद धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में मैसूर पर, है ना, अवध पर, मैसूर पर सहायक संधि के द्वारा लॉर्ड डलहौजी के काल में विभिन्न राज्यों पर अधिकार मिला। इसी तरह लॉर्ड हेस्टिंग्स ने कई राज्यों को मिलाया अपने साम्राज्य में। उसके बाद फिर लॉर्ड डलहौजी आया तो उसने गोद निषेध की प्रथा के द्वारा कई राज्यों को अपने राज्यों में मिला लिया। इस तरह से जैसे जैसे भारत में अंग्रेजों का साम्राज्य फैलता गया तो उनके क्षेत्र में जनजातीय क्षेत्र भी आते गए, ठीक है। मान लेते बंगाल बिहार उड़ीसा पर अंग्रेजों को अधिकार मिला प्लासी और बक्सर के बाद, तो अब छोटा नागपुर क्षेत्र,
छोटा नागपुर क्षेत्र क्या है? झारखंड में, लेकिन झारखंड उस समय क्या था? बिहार था। यानी बिहार क्षेत्र में, यानी छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में जितने भी जनजातीय क्षेत्र थे वो अंग्रेजों के साम्राज्य में शामिल हो गए। अब अंग्रेज जैसे जैसे उनका साम्राज्य फैलता गया, उन क्षेत्रों में भी वो अपनी शासन प्रणाली थोपते थे, अपने नियम कानून थोपते थे, जबकि आदिवासियों के अपने नियम कानून होते थे, उनका अपना सामाजिक आर्थिक ताना बाना होता था। इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया कि अपने नियम कानून थोपे, जो नई भू राजस्व पद्धतियां लागू की, जैसे भू राजस्व व्यवस्थाओं के अंतर्गत एक था जमींदारी व्यवस्था, जिसे हम स्थायी बंदोबस्त कहते थे। तो इन्होंने क्या किया, जनजाति क्षेत्रों को भी स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत ला दिया। यानी अब वो जो सामूहिक रूप से जगह बदल बदल कर झूम खेती करते थे, तो अंग्रेजों ने उस पर रोक लगा दी। अंग्रेजों ने नियम बनाकर झूम कृषि पर रोक लगाना प्रारंभ कर दिया कि इससे जंगल बर्बाद हो रहे हैं और खेती में उत्पादन भी उतना नहीं हो पाता है। तो उन्होंने उसे कॉमर्शियल खेती के अंतर्गत लाने का प्रयास किया जनजातियों को, उन्हें लगान प्रणाली के अंतर्गत शामिल करने का प्रयास किया, उन्हें भू राजस्व स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत शामिल किया, जमींदारों को अधिकार दिया गया कि आप इनसे खेती करवाइए, मतलब जहां वो स्वतंत्र रूप से खेती करते थे आप उन्हें जमींदारों के अंतर्गत भूमि का मजदूर बना दिया गया। समझ रहे हैं, एक तरह से जमींदार उनके लिए ठेकेदार की भांति काम करता था। जमींदारों को ठेका मिल गया कि कितने भूमि पर उनसे कितनी खेती करवानी है और उनसे भू लगान कितना वसूलना है। तो इस तरह से जमींदारों ने उनका अधिक से अधिक लगान वसूल करके शोषण प्रारंभ कर दिया है जनजातियों का। वो जनजातीय लोग, वो आदिवासी लोग जो प्यार मोहब्बत से जंगलों में, दुनिया से दूर जंगलों में शांति और सुकून से रहते थे, यानी उनके सामाजिक जीवन में जबरदस्त उथल पुथल मची, इससे आक्रोश बढ़ा। अब अगर जमींदार को अगर लगान कोई आदिवासी नहीं दे पाता था तो उसे महाजन, जमींदार अपने साथ साथ महाजन जी को भी लेकर चलते थे कि अगर तुम्हारे पास अभी लगान देने के लिए पैसे नहीं है तो इसे उधार ले लो, महाजन जी हैं ही, महाजन जी तैयार रहते थे उधार देने के लिए। महाजन जी को लगता था कि एक बार इसको उधार दे दो फिर तो जिंदगी भर इससे केवल हम ब्याज ही लेंगे, मूल राशि तो ये कभी चुका ही नहीं सकता, और नहीं वो चुका पाता था क्योंकि ब्याज इतनी ज्यादा होती थी। तो इन जमींदारों और महाजनों के चक्कर में पड़कर जो बेचारा आदिवासी होता था वो फंस गया था, वो इनसे मुक्त ही नहीं हो पाता था, जिंदगी भर ब्याज भरता रह जाता था और जमींदार उनको मारते पीटते थे अलग से लगान के लिए। इस तरह से उनकी जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अंग्रेजों द्वारा भारत में साम्राज्य विस्तार के पश्चात आदिवासियों की जीवन शैली, उनकी संस्कृति, खेती के तरीकों में हस्तक्षेप बढ़ा, उनके अपने खेती के विशिष्ट तरीके थे उसमें भी हस्तक्षेप बढ़ा, नई भू राजस्व व्यवस्थाएं उन पर थोपी गई, जमींदारों द्वारा जबरन लगान वसूली की गई, आदिवासी महाजनों के ऋण के चक्कर में फंसते चले गए, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। इस प्रकार बाहरी लोगों ने मिलकर आदिवासियों का शोषण प्रारंभ किया। जनजातीय लोग जो थे या आदिवासी लोग, वो बाहरी लोगों को दिकू कहते थे। क्या दिकू? बाहरी लोगों ने, यहाँ ब्रैकेट में दिकू लिखा हुआ है, दिकू शब्द क्या इंगित करता है? जनजातियों के लिए जो भी बाहरी लोग हैं, जैसे जमींदार, महाजन, ठेकेदार, अंग्रेज, ये सभी जनजातियों के लिए क्या थे? दिकू कहते थे, मतलब बाहरी लोग, है ना, इसमें अंग्रेज, महाजन, जमींदार, ठेकेदार सभी आते थे। ये था कारण उनके सामाजिक आर्थिक ताने बाने को जिस तरह से बाहरी लोगों ने छिन्न भिन्न कर दिया, उससे उनकी में आक्रोश पनपा और वो हथियार उठाने के लिए मजबूर हो गए। एक के बाद एक श्रृंखलाबद्ध कई जनजातीय विद्रोह घटित हुए। खास रूप से हम जो यहाँ पे प्रमुख विद्रोह उन्हीं का नाम लेंगे, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह 1857 की क्रांति के ठीक एक साल पहले घटित हुआ था। छोटा नागपुर पठार पर संथाल लोग कहाँ रहते थे? छोटा नागपुर पठार पर, उस समय बिहार में आता था, अब तो झारखंड में आता है। तो बिहार क्षेत्र में जो छोटा नागपुर पठार था वही इनका निवास था संथालों का। विद्रोह के प्रमुख नेता थे, संथालों के प्रमुख नेता कौन थे विद्रोह में? सीधू और कानू। हुआ यह था कि जब जमींदारी व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर जमींदारी व्यवस्था थोपी गई थी, तो ऐसे आदिवासी जो कि जगह बदल बदल कर खेती करते थे उनका अधिकार छीन लिया गया, इसलिए उनकी जमीनें छीन ली गई, है ना, उसे अवैध माना गया कि कहीं भी जंगल काट के तुम खेती शुरू कर दे रहे हो, क्या ये जमीन तुम्हारी है? तो इस तरह से अंग्रेजों ने उनकी जमीन छीन ली, तो जमीन हाथ से निकल गई उनके। साथ ही जमींदारों द्वारा शोषण बढ़ा, निश्चित भूमि क्षेत्र पर खेती करवाते थे जमींदार और उनका शोषण बढ़ा। यही सब आक्रोश का कारण था जो पहले मैंने बताया। परिणाम यह हुआ कि संथालों ने 1855 में हथियार उठा लिया। 1855 से 56 तक इनका विद्रोह चला। इतने बड़े शक्तिशाली और ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य के आगे ऐसे जनजातीय लोग अपने परंपरागत हथियारों से बहुत ज्यादा लड़ाई नहीं कर सकते थे,
उनके हथियार बहुत ही विकसित प्रकार के थे। न केवल अंग्रेजों के हथियार विकसित प्रकार के थे बल्कि उनकी सोच भी बहुत उन्नत थी, बहुत आगे की सोचते थे। ठीक है, तो इस तरह से संथाल विद्रोह समाप्त कर दिया गया। सिद्धू 1855 में मारे गए, कान्हू 1856 में मारे गए। अगले विद्रोह की बात करते हैं, मुंडा विद्रोह। बहुत ही पावरफुल विद्रोह था ये, अंग्रेजों को जबरदस्त चुनौती दी मुंडाओं ने। ये विद्रोह शुरू हुआ था 1895 में और चला 1901 तक। 1895 में शुरू हुआ था, 1901 तक चला। क्षेत्र वही है, छोटा नागपुर का पठार। इनका प्रमुख नेता था बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट आज भी रांची, झारखंड के रांची में है, एयरपोर्ट बना हुआ इनके नाम पे। इसे उलूखनी विद्रोह भी कहा जाता है। जबरदस्त चुनौती मिली थी मुंडाओं की तरफ से अंग्रेजों को, इसे उलूखनी विद्रोह भी कहा जाता है। मुंडाओं में सामूहिक खेती का प्रचलन था, साथ साथ खेती करते थे। उस खेती के प्रचलन को हम क्या कहते थे, खूंट कट्टी। खूंट कट्टी कहा जाता था। सवाल पूछा जा सकता है सामान्य अध्ययन में कि जनजातियों में खूंट कट्टी प्रथा क्या है। चार विकल्प दे दिए जाएंगे, आपका विकल्प कौन सा होगा, सामूहिक खेती की परंपरा। इसे क्या कहते थे, खूंट कट्टी। मुंडाओं में यह परंपरा प्रचलित थी। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो कारण बताए आक्रोश के, वही आक्रोश के कारण मुंडाओं में भी थे। उनके जमीनें एक के बाद एक छीन ली गईं। जमींदारों, ठेकेदारों और महाजनों ने मिलकर उनके सामाजिक आर्थिक ताने बाने पर जबरदस्त हमला किया। इससे उनका जीवन जीना बहुत ही दुष्कर हो गया था। मुंडाओं में आक्रोश बहुत पहले से था और छिटपुट विद्रोह 1870 से ही चल रहे थे। 1874-75 से ही छिटपुट विद्रोह मुंडाओं द्वारा किए जा रहे थे, लेकिन मुंडा उतने संगठित नहीं हो पा रहे थे। मुंडाओं को संगठित करने का काम किया बिरसा मुंडा ने। बिरसा मुंडा का जिक्र 1895 में मिलता है मुख्य रूप से। इनका उदय होता है बिरसा मुंडा का एक चमत्कारिक नेता के रूप में। बिरसा मुंडा जो थे अक्सर छोटा नागपुर पठार के जंगलों और गांव में घूमते हुए देखे जाते थे और ये लोगों में विश्वास दिलाते थे कि ईश्वर है। लोगों को विश्वास दिलाते थे कि ईश्वर है, ईश्वर ने मुझे अपना दूत बनाकर तुम लोगों के पास भेजा है, मुझमें बहुत ही दिव्य शक्तियां हैं और मैं तुमको इस शोषण और अन्याय से मुक्ति दिला सकता हूँ। बिरसा मुंडा ये उपदेश देते हुए गांव से गांव निकल जाते थे। धीरे धीरे लोगों को विश्वास होने लगा कि बिरसा में सच में कोई चमत्कारिक शक्ति है और ये दिक्कुओं को पलायन कर सकता है, यहाँ से भगा सकता है। धीरे धीरे हजारों हजार मुंडा लोग यानी जनजातीय लोग बिरसा मुंडा को देखने के लिए आने लगे कि कौन है। जनजातीय लोगों में ऐसे ही बाहरी चीजों के प्रति बहुत उत्सुकता होती है। जब इसने अपने आप को चमत्कारिक नेता घोषित किया, यानी बॉडी लैंग्वेज भी उस तरह से होनी चाहिए, जब कोई चमत्कारिक अपने आप को बताता है तो बॉडी लैंग्वेज भी उसी तरह से होनी चाहिए, तो बिरसा मुंडा धीरे धीरे हिट होता चला गया, है ना। दिन था 1899 में क्रिसमस का दिन था। 1899 में क्रिसमस के दिन बिरसा मुंडा अचानक उग्र रूप धारण किया और सारे मुंडाओं को एकत्रित किया। इसने आह्वान किया कि अब धरती पर मुंडाओं का शासन होगा। बिरसा ने आह्वान किया कि इस धरती पर मुंडाओं का शासन होगा। अंग्रेजों को मार भगाने के लिए, यानी एक तरफ से अंग्रेजों को कत्ल करने के लिए इसने मुंडाओं का आह्वान किया। इसने आह्वान किया कि हम इन जमींदारों को, ठेकेदारों को, महाजनों और अंग्रेजों को और ईसाइयों को इनका कत्ल किया जाएगा। इस आशय से बिरसा मुंडा ने आह्वान किया। उसने ये भी कहा कि इन दिक्कुओं से हमारी लड़ाई होगी। उसने भी कहा कि दिक्कुओं से हमारी लड़ाई होगी और इनके रक्त से ये धरती लाल हो जाएगी। ये किसने कहा था, बिरसा मुंडा ने कहा था। बिरसा मुंडा ने ये कहते हुए 5 जनवरी 1900 ईस्वी 1899 में क्रिसमस के दिन उसने ईसाइयों, जमींदारों, महाजनों के कत्ल का आह्वान किया। ठीक 10 दिन बाद यानी 5 जनवरी 1900 ईस्वी को उसने विद्रोह की शुरुआत कर दी। भयंकर रक्तपात मचा, कुछ अंग्रेज भी मारे गए। शुरू में अंग्रेज ही मारे गए, जमींदार मारे गए, ठेकेदार मारे गए, लेकिन बाद में अंग्रेज अपनी सेना लेकर चले आए। उसके बाद मुंडाओं को घर में घुस घुस कर कत्ल किया गया। बहुत ही भयंकर रक्तपात मचा था, उसका वर्णन करने लायक नहीं होगा। तो बिरसा मुंडा जो है पकड़े गए, उसके बाद इन्हें रांची जेल में डाल दिया गया। 1900 ईस्वी में ही इन्हें रांची जेल में डाल दिया गया। बाद में हैजा से इनकी मृत्यु हुई, फांसी पर नहीं टांगा गया, जेल में ही थे उस समय, हैजा से मृत्यु हो गई। बाद की जो विद्रोह मैंने लिखे हुए हैं उसमें सिर्फ दो ही बातें महत्वपूर्ण हैं। वो विद्रोह कहाँ हुआ, जैसे कोल विद्रोह,
कोल विद्रोह कहाँ पे हुआ? महाराष्ट्र में, राजस्थान में, है ना, बंगाल में, छोटा नागपुर में। तो आपका उत्तर होगा छोटा नागपुर में। इससे दो ही सवाल पूछे जाएंगे, कहाँ पे हुआ, उसका नेता कौन था। साल नहीं पूछा जाता, यानी वर्ष नहीं पूछा जाता। क्यों? क्योंकि ये सभी विद्रोह किसी एक वर्ष में नहीं हुए हैं। 30-30, 40-40 साल चलते रहे हैं। 5 साल उनका नेता कोई और रहा, फिर बाद में कोई और 10 साल के लिए नेता मिल गया। एक साल ये विद्रोह नहीं हुए, लगातार अंग्रेजों के खिलाफ 30-40 वर्षों तक सुगबुगाहट जो हुई उसे विद्रोह का नाम देते हैं। इसलिए एक वर्ष का उल्लेख करना यहाँ संभव नहीं है। और कई बार अंतराल है, जैसे कोई विद्रोह 1819 से शुरू हुआ 24 तक चला है, फिर 1828 से शुरू हुआ है 46 तक चला है, फिर 1849 में शुरू हुआ 64 तक चला है। तो इस तरह से डेट याद करना संभव भी नहीं है। मैं लिखने को तो लिख देता, परेशानी आपके लिए बढ़ जाएगी और मुझे भी पसंद नहीं आता है, मैंने कभी नहीं रटा, इसलिए आपको मजबूर नहीं करना चाहता हूँ। आप बस इतने याद करिए, कोल विद्रोह छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार में कोयला होता है ना, इससे याद हो जाएगा। कोल विद्रोह छोटा नागपुर पठार, नेता कौन है, बुद्धो भगत। खासी विद्रोह मेघालय, मेघालय पर खासी पहाड़ी है ना, इसके नेता थे तीरथ सिंह, रंपा आंध्र प्रदेश, इसके नेता कौन थे, राजू रंपा। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट, याद रखिएगा ये खास है, रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र वहां पे रामोसी जनजाति, ये सारे जनजातियों के नाम है, कोल खासी रंपा ये जनजातियों के नाम पर रखे गए हैं विद्रोह के नाम, ठीक है। तो रामोसी लोग पश्चिमी घाट पर रहते थे। महाराष्ट्र में नेता थे चित्तर सिंह, याद कर लीजिएगा, कभी भी उठाया जाता है सब। कुकी आंदोलन मणिपुर में हुआ था, कुका आंदोलन कल बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि कुका आंदोलन क्या था, धार्मिक स्वरूप वाला था, उसके नेता कौन थे, सूर्य भगवत जवाहरमल, बाद में राम सिंह कुका। तो कुका आंदोलन पंजाब, लेकिन कुकी आंदोलन मणिपुर। नेक्स्ट चुआर विद्रोह बंगाल, इसके नेता थे जगन्नाथ। बंगाल में आज भी भूमिज जनजाति के लोग रहते हैं, भूमिज, उन्हीं को हम चुआर कहते हैं, भूमिज को ही चुआर कहा जाता है, ठीक है। ये है प्रमुख जनजाति विद्रोह। इसके अलावा कुछ अन्य नागरिक विद्रोह भी अभी रह गए हैं, उसे हम इसके साथ शामिल नहीं कर सकते थे क्योंकि ये सारे जनजाति विद्रोह है। कुछ अन्य नागरिक विद्रोह हैं 7-8-9-10, वो अगले वीडियो में हो जाएंगे, ठीक है। अन्य नागरिक विद्रोह पढ़ने के बाद 1857 की क्रांति का स्वरूप और 1857 की क्रांति पर जो प्रमुख पुस्तकें लिखी गई है, स्वरूप और पुस्तकें पढ़ के, और उसका परिणाम 1857 की क्रांति के परिणाम क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या बदलाव लाया भारत में, ये पढ़ने के बाद फिर हम चले चलेंगे समाज और धर्म सुधार आंदोलन, जो कि प्रारंभ होता है राजा राम मोहन राय से और चलता रहता है 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक, ठीक है। तो भारतीय इतिहास यानी आधुनिक भारत का इतिहास अब निरंतर है। आप इसी तरह से नोट्स बनाते रहिए और कमेंट करते रहिए। नमस्कार।